तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 15 सालों से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रहा है, मगर शो से 6 साल से लीड एक्ट्रेस दयाबेन गायब है। जी हाँ, दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वाकानी ने प्रेगनेंसी के वक्त शो से छुट्टी ली थी और फिर वह वापस नहीं आई। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर आशित मोदी को बच्चे की परवरिश के चलते कमबैक करने से मना कर दिया था, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार दिशा वकानी के लौटने की खबरें चल रही थी। ऐसे में शो की नई रोशन भाभी उर्फ मेनाज मेवाला ने रिएक्ट किया है। कहा जा रहा है कि आशित मोदी लगातार दिशा वकानी को मनाने की कोशिश कर रहे। इतना ही नहीं, मेकर्स ने तो नई दयाबेन को लाने की भी कोशिश की थी। कुछ एक्ट्रेस के ऑडिशंस भी हुए थे लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं निकल पाया। हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स को ट्रोल भी खूब किया गया था। प्रोड्यूसर आशित मोदी ट्विटर पर खूब ट्रोल हुए जब दर्शकों ने उनकी भावनाओं से खेलने के चक्कर में उन पर ताने कसे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले शो में दिखाया गया था कि जेठालाल की पत्नी की वापसी हो रही है। फैंस खुश हो गए थे लेकिन फिर से मेकर्स ने धोखा दे दिया। हाल ही में सभी खबरों के बीच जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला को रिप्लेस करने वाली एक्ट्रेस मोनाज मेवावाला ने रिएक्ट किया है। नई रोशन सिंह सोढ़ी ने बॉलीवुड लाइफ को दयाबेन की वापसी पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, मुझे सच में नहीं पता है कि क्या चल रहा है। मालूम हो शो में कास्ट को भी इस बार में भनक नहीं है। ऐसे में चांस एक्ट्रेस के दोबारा लौटने के काफ़ी कम लग रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि नई दयाबेन हमारे सामने आएंगी या फिर पुरानी? वेल, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह की बॉलीवुड और टेलीविजन की हर गॉसिप्स अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और प्रेस कर लें बेल आइकन को। तब तक के लिए बाय बाय।